ओके सो स्वस्तिक, लेट मी रिकॉर्ड योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ कपल ऑफ आईआईटीज हियर। आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं और अभी आप 3 इंटरव्यू रिसेंटली आपने दिया है, दैट इज फॉर रूरल टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी, दैट वाज फॉर एमटेक, राइट स्वस्तिक, रूरल टेक्नोलॉजी? यस सर। ओके एंड देन डायरेक्ट दिस डिजास्टर मैनेजमेंट आईआईटी गुवाहाटी, वो कौन से कोर्स का था? वो आई थिंक सर एमएस का था। एमएस का था और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी मद्रास, दैट वाज एमएस। Yes, sir, MS. वो MS था, ठीक है। तो मैं एक एक करके चलता हूँ, लेकिन पहले मेरे को स्वास्तिक अपने बारे में आप बताएं, when did you graduate in civil engineering, which college you graduated, your CGPA, your GATE score? Okay, sir. Sir, I have graduated from Centurion University, having a CGPA 7.38 okay. In the year of 2017, mm-hmm. and my GATE score is 271. Okay, and your category is Swastik? Yes, SC okay. sir. SC, okay. So Swastik with this credential, आपको अभी तक कहाँ से कॉल आ चुका है? सर अभी तो जितने बोला मतलब आईआईटी गुवाहाटी डिजास्टर मैनेजमेंट रूरल टेक सेम दोनों आईआईटी गुवाहाटी का हाँ जी और आईआईटी मद्रास का डोम्स। अच्छा ये तीन ही जगह से आपको इंटरव्यू कॉल आया अभी, राइट? हाँ हाँ और आया है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी वो कहाँ कहाँ से आ चुका है आपको स्वास्तिक, कॉल कहाँ से आ चुका है? सर एक अभी रिसेंटली एक आया है एनर्जी साइंस का, एक आया आईआईटी गुवाहाटी का ही। अच्छा एमएस का पीएचडी किस चीज का? एमएस सर। ठीक है और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का आया था सर कानपुर का और एरोस्पेस का आया था वही सेम कानपुर का। एमएस दोनों? हाँ दोनों एमएस। ओके ग्रेट, नाउ स्वस्तिक लेट्स कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज डायरेक्ट दिस डिजास्टर मैनेजमेंट आईआईटी गुवाहाटी। यस सर। सर इसमें मेरा जो एसओपी था वो एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड जो है सिविल इंजीनियरिंग वो रिलेटेड नहीं था, मैंने अप्लाई किया था आईसीटी एंड साइबर रिस्क में। ओके तो हाँ तो वो लोग पहले वही सेम चीज पूछे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एकेडमिकली, तो वो सब आपको करना है, वो तो आपको उसमें बताना पड़ेगा आई थिंक कि तो क्या मार्क्स रहे हैं, क्या मतलब सीजीपीए और वो सब। उसके बाद वो लोग पूछे आपका तो सिविल में था फिर आप कैसे, व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस? सो सर आई टोल्ड देम अबाउट माय इंटरेस्ट, आई वाज फ्रॉम माय ग्रेजुएशन आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। सो उसके बाद उन लोगों ने पूछा ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन पूछा और एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन पूछा जो कि मैं भूल गया था सर उस टाइम तक, आई डिडंट कुडंट रिमेम्बर दैट, दैट वाज ऑन वेक्टर कैलकुलस क्वेश्चन वाज फॉर, दैट्स ऑल। तो वहां पे भी आपसे 3-4 क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा? यस सर, यस सर। ओके तो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आपने टॉपिक भरा था जो बिल्कुल अलग था सिविल इंजीनियरिंग से, तो उसके बारे में पूछा नहीं कि व्हाई यू वांट टू टेक दिस टॉपिक? यस सर उन लोगों ने पूछा तो आई रिप्लाइड कि ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई मीन टू डू एनी कोर्स रिलेटेड टू दिस थिंग्स बट आई कुडंट गेट एनी चांस एट दैट टाइम। Mm-hmm. So now that I see IIT Guwahati is a premier institute of India and so I find this will be very good opportunity for me. Mm-hmm. So did they ask you any question related to that topic? Topic wise, sir, मेरा हाँ वो मेरा जो research topic था इसमें Internet of Things IoT। तो उन्होंने पूछा मेरे को क्या टॉपिक क्या है, तो मैंने बताया उन लोगों को और उससे रिलेटेड मतलब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा तो उसमें मैं उतना अच्छे से बता नहीं पाया और मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से और डिपेंडेंसी। इंटेलिजेंस उन्होंने बेसिक्स पूछा या उसके डेप्थ में गए? बेसिक्स ही पूछे सर, ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे और सिविल रिलेटेड भी ऐसा कुछ पूछे नहीं और उसमें तो वो पीपीटी और वो एसओपी दिखाना था, 3 slides का मैंने प्रिपेयर किया था, वो मैक्सिमम 5 slides करके उन्होंने लिमिट सेट कर दिया था तो उसी में मैंने उनको प्रेजेंट किया और उसी में से वो जो क्वेश्चन पूछा। अच्छा स्वस्तिक अभी अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एमएस के लिए फिर से अप्लाई करें तो वुड यू लाइक टू चेंज योर टॉपिक दिस टाइम और यू वुड लाइक टू गो विद द सेम टॉपिक?
क्योंकि मैंने देखा था डिजास्टर मैनेजमेंट में तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत टॉपिक्स हैं, वो है ही सिविल इंजीनियरिंग का डोमेन है तो, और आपने जो चूज किया वो शायद कंप्यूटर्स डोमेन चूज कर लिया था। हाँ, यस सर, यस सर। तो वुड यू लाइक टू चेंज दिस टाइम? नो सर, आई विल बी गोइंग विद द देयर ओनली। यस सर। ओके, ग्रेट।